नमस्कार दोस्तों, स्काईलाइन फाउंडेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सौरभ बैरागड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य के कुल पूरे जिलों के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज गुजरात सरकार यानी गुजरात स्टेट राज्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम गुजरात इस वक्त का सबसे यानी लोकप्रिय राज्य है, क्योंकि यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो हम जानेंगे गुजरात स्टेट के बारे में और उनके ज़िलों के बारे में। ठीक है, गुजरात स्टेट में कुल 33 ज़िले आते हैं, 33 ज़िले आते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले है अहमदाबाद। अहमदाबाद एक काफ़ी सबसे बड़ा स्थल है गुजरात का। उसके बाद में सूरत, सूरत सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है सूरत में। उसके बाद अमरेली डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद में आनंद डिस्ट्रिक्ट आता है। अरावली, जो कि अरावली पर्वत आपने देखा होगा जो वहाँ पे है अरावली रीजन में। ठीक है, उसके बाद में आता है बानसकंठा। उसके बाद में भरूच, भरूच में काफ़ी सारे सभाएं आयोजित की जाती है। उसके बाद में है भावनगर, भावनगर के बाद में आता है भोतड़। ठीक है, भोतड़ एक अच्छा ज़िला है। उसके बाद में छोटा उदयपुर, छोटा उदयपुर यानी उदयपुर लगा है, जो कि राजस्थान में भी एक एक ज़िला है उदयपुर नामक। ठीक है, तो ये छोटा उदयपुर है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद में है दाहोड़। ठीक है, दाहोड़ एक ज़िला है। उसके बाद में डांग है, उसको डांग भी बोलते हैं, कई लोग डांग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आता है देवभूमि द्वारका। उसको देवभूमि भी नहीं बोले तो चलेगा, उसको शॉर्टली द्वारका। ठीक है, द्वारका एक ज़िला है गुजरात का। उसके बाद में गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। क्या है? राजधानी है, इसलिए गांधीनगर काफ़ी बड़ा है। उसके बाद में गिर, गिर सोमनाथ, गिर भी एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे। और गिर अभयारण्य भी है, आपने पिछले वीडियो में देखा था, टाइगर रिजर्व और गिर नेशनल पार्क देखा होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है जामनगर। जामनगर में भी काफ़ी सारी गतिविधियाँ होती रहती है। ठीक है, उसके बाद में है जूनागढ़। जूनागढ़ ये काफ़ी बहुत यानी पुराना स्थल है। जूनागढ़ में एक पूरा राज्य के नाम से जाना जाता था, जूनागढ़ पहले एक प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, उसके बाद में है कुछ, कुछ के बाद में आता है कुछ के बाद में आता है सबसे गुजरात के अगले ज़िले पर, जो कि खेड़ा नामक है। खेड़ा एक ज़िला है गुजरात स्टेट का। उसके बाद में है महीसागर, महीसागर ज़िला है। मेहसाना ज़िला आता है। उसके बाद में है मोरबी। ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध ज़िले हैं गुजरात स्टेट के। उसके बाद में नर्मदा, जो कि एक नर्मदा नदी के नाम पर बना है। ठीक है, उसके बाद में पंचमहल, पंचमहल भी एक काफ़ी प्रसिद्ध ज़िला है। पाटन, पाटन भी एक प्रसिद्ध ज़िला है। पोरबंदर, पोरबंदर तो इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, गांधी जी का भी आना जाना रहता था। ठीक है, और पोरबंदर एक बंदर, ये बंदरगाह भी है। ठीक है, वहाँ पे इसलिए। और फिर उसके बाद में आते साबरकंठा। साबरकंठा एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है गुजरात स्टेट का। और आता है फिर भी क्या बोलते हैं, राजकोट। राजकोट एक सौराष्ट्र का पार्ट है। सौराष्ट्र में भी काफ़ी सारे ज़िले आते हैं, यानी गुजरात स्टेट का यानी सब डिवीज़न आता है सौराष्ट्र। ठीक है, उसी स्टेट के अंतर्गत आता है राजकोट। ठीक है, उसके बाद में सुरेंद्रनगर, सुरेंद्रनगर आता है। ठीक है, उसके बाद में तापी, तापी आपने नदी भी देखी होगी, ये इसी नामक है। तापी नामक इस क्या बोलते ज़िले के वजह से उसको तापी नाम मिला, या फिर नदी की वजह से तापी नाम मिला, उतना नहीं मालूम, लेकिन यह वही का रिलेशन है। ठीक है, बाद में आता है वडोदरा। वडोदरा भी एक काफ़ी फेमस ज़िला है। उसके बाद में वलसाड। तो ये कुल 33 ज़िले हैं क्या बोलते गुजरात स्टेट के। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्या, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पे होती रहती है और काफ़ी न्यूज़ में ये रहती है।
और काफ़ी लोकप्रिय स्थल पाए जाते हैं गुजरात स्टेट में। तो दोस्तों ये अपने क्या बोलते हैं जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो जाने से पहले मैं यही बोलूँगी कि अगली बार अपन नए स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम और जानकारियाँ लेकर आएंगे नए। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते मैं ये इतना ही कहूँगा कि स्काईलाइन फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।